बैट को कभी क्रिकेट से बैन किया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी आपने बहुत कम क्रिकेटर्स को इस बैट का यूज करते हुए देखा होगा। ये बैट पहली बार लाइमलाइट में तब आया जब मैथ्यू हेडन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने के लिए उतरे, तब उनके हाथ में ये बैट पहली बार देखा गया। बैट के स्ट्रक्चर और इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस बैट पर कहीं भी गेंद लगती है तो 4 या फिर 6 रनों के लिए ही जाती है। ये बैट नॉर्मल बैट से 20% ज्यादा पावर और 15% ज्यादा बैट स्पीड देती है। मैथ्यू हेडन ने इस बल्ले का यूज करके डेली